हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपिंग क्लासेस। स्वागत है आप सबका 2 मिनट सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे वल्चर्स के बारे में। डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, हमारा प्रीलिम्स 2020 का क्रैश कोर्स इज़ ऑलरेडी लाइव, क्लासेस हैव स्टार्टेड और हमारा ईको की क्लासेस चल रही हैं। सो द फर्स्ट कॉम्पोनेंट इज़ ऑफ ईको, सो इट स्टार्टेड ऑन 28 January, इट विल कंटिन्यू अप टू 30 April एंड वी विल बी कवरिंग बोथ स्टैटिक एज वेल एज करंट अफेयर्स। And in case you want to enroll, you can visit our website www.sleepyclasses.com, right? So, बात करते हैं वल्चर्स के बारे में। अब देखिए, वल्चर्स जो हैं, जब 1980s में जो हमारी वल्चर्स की पॉपुलेशन थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी। लेट्स से इट वॉज 40 million, ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन थी। इनकी कॉन्जर्वेशन वॉज लाइक नॉट इवन ऑन समवंस माइंड, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन थी। लेकिन अभी लास्ट 20 years और सो में ही जो इसकी पॉपुलेशन है, दैट हैज़ डिक्लाइंड बाई वोपिंग 99%। जो नंबर्स हैं अभी अप्रॉक्सीमेटली 20,000 रह गए हैं इफ़ यू कंपेयर देम टू द 1980s नंबर ऑफ 40 million। तो 99% जो वल्चर्स की पॉपुलेशन है उसमें डिक्लाइन आया है एंड इट रिप्रेजेंट्स द फास्टेस्ट डिक्लाइन ऑफ एनी स्पीशीज इन द वर्ल्ड, फास्टेस्ट। एंड इवन जो पिजन्स थे, स्पैरोज थे, उनसे भी ज़्यादा फास्टर डिक्लाइन देखा गया है वल्चर्स के केस में। अभी क्या है, अभी थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है क्योंकि मेजर्स हैव बीन टेकन, बट नॉन द लेस फ्रॉम इट हैज़ डिक्लाइन 99% इन अ मैटर ऑफ फ्यू ईयर्स, है ना, फ्यू लाइक 10 or 15 years। तो इट इज़ अ बिग बिग डिक्लाइन, राइट। इशू क्या था, अब इंडियन वल्चर्स और हैवेंट ऑलवेज नीडेड कॉन्जर्वेशन, देर नंबर्स वर रॉबस्ट, ठीक है। अभी क्या हुआ, 2003 ऑनवर्ड्स पता चला कि जो वल्चर्स हैं वो इसलिए मर रहे हैं बिकॉज दे आर फीडिंग ऑन एनिमल कैरकेसेस। ऑब्वियसली दीज आर द वन विच फील्ड ऑन डेड एनिमल्स, एनिमल कैरकेसेस, है ना। तो जो डेड एनिमल्स हैं उन, वो डेड एनिमल्स हैव बीन फेड अ पेन किलर, डिक्लोफेनाक, ठीक है ना। डिक्लोफेनाक इज़ अ पेन किलर, इट इज़ अ टाइप ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिसको नसेट भी कहते हैं। ये बेसिकली एनिमल्स को और इवन ह्यूमन्स को भी दिया जाता है टू ट्रीट पेन एंड इन्फ्लेमेशन। तो जब जो एनिमल्स हैं जो ट्रीटेड है डिक्लोफेनाक से, तो उनकी बॉडी में डिक्लोफेनाक होगा। तो जब वल्चर्स उन बॉडीज़ के ऊपर फीड करते हैं, सो डिक्लोफेनाक इंटरफेयर्स विद देयर किडनी फंक्शंस, कॉजिंग देम किडनी फेलियर, गाउट एंड इवेंचुअली डेथ। सो इसी की वजह से जो डिक्लोफेनाक है, इसका यूज़ 2006 में बैन कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। इवन पाकिस्तान नेपाल की गवर्नमेंट ने भी बैन कर दिया था 2008 में, और स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस आई थी। तो जो यूज़ ऑफ दिस ड्रग फॉर एनिमल्स वॉज बैंड, ठीक है, द वेटनरी यूज़ वॉज बैंड, और इसका जो रिप्लेसमेंट ड्रग था वो मिलोक्सिकैम है। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, ठीक है। सो अब डिक्लोफेनाक इज़ अ वंडर ड्रग फॉर कैटल एंड ह्यूमंस, बट इट इज़ टॉक्सिक फॉर वल्चर्स। इवन जो अदर नसेट्स हैं लाइक असिलोफेनाक, कार्प्रोफेन, ठीक है, फ्लूनिक्सिन, कीटोप्रोफेन, दीज आर ऑल्सो टॉक्सिक, बट इनको एक तो बैन नहीं किया गया, और दूसरी चीज़ ये है कि इवन जो हमारा डिक्लोफेनाक है उसको वेटनरी यूज़ के लिए बैन कर दिया गया है, लेकिन स्टिल जो ह्यूमन यूज़ के लिए डिक्लोफेनाक है, इट इज़ रीपैकेज्ड एंड गिवन टू द एनिमल्स, ठीक है। तो इसका जो वेटनरी यूज़ है अभी भी रैम्पेंट है। अगर हम कॉन्जर्वेशन स्टेटस की बात करें तो 9 species हैं वल्चर्स की, जिसमें दोनों ही आती है, रेजिडेंशियल भी और माइग्रेटरी भी, ठीक है, जिसमें से 3 हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है। जो 3 हैं वो है वाइट रम्प्ट या वाइट बैक्ड भी कहते हैं इसे, ठीक है, और दूसरी है हमारे पास लॉन्ग स्लेंडर्ड, सॉरी स्लेंडर्ड बिल्ड एंड लॉन्ग बिल्ड, है ना, लॉन्ग बिल्ड और स्लेंडर बिल्ड, ठीक है। दीज आर द वल्चर्स विच आर नोन फॉर हैविंग लॉन्ग नेक्स, ताकि जो उनका कैरकेस, एनिमल कैरकेस के, वो डीप जा सके, ठीक है। जो लॉन्ग बिल्ड वल्चर है उसे इंडियन वल्चर भी कहा जाता है। वाइट जो रम्प्ट वल्चर है, इसमें सबसे ज़्यादा 99.9% डिक्लाइन हुआ है वाइट रम्प्ट वल्चर में। इसकी पिक्चर जो हमने एकदम हमारे थंबनेल पे है, वो वाइल्ड रम्प्ट इसकी वल्चर की है। उसके बाद हिमालयन ग्रिफॉन है और हमारे पास इजिप्शियन वल्चर है, ये इनका स्टेटस थोड़ा बेटर है। जैसे हिमालयन ग्रिफॉन का नियर थ्रेटेंड है, इसका रीज़न ये दिया जाता है क्योंकि हायर रीचेज ऑफ हिमालय में आपको मिलता है और वहाँ पर डिक्लोफेनाक इतना यूज़ नहीं होता। सो दीज आर हैविंग कंसिडरेबल गुड नंबर्स, लेकिन अगेन प्रोटेक्शन इनको भी दी जा रही है। तो बात यह है कि क्योंकि इनको एक्सपोजर नहीं है डिक्लोफेनाक का, तो इनके नंबर्स इतने कम नहीं हुए। एक रेड हेडेड वल्चर है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, लेकिन शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आती इफ़ वी टॉक अबाउट वल्चर्स, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द कॉन्जर्वेशन स्टेटस, देन वी टॉक अबाउट द प्रोटेक्शन। सो जब ये पता चला कि ऐसे वल्चर्स आर डाइंग, तो अ वल्चर केयर सेंटर वॉज सेटअप इन पिंजौर, फर्स्ट जो था इन हरियाणा, ठीक है,
एंड इट वॉज दी ओनली फैसिलिटी फॉर कंजर्वेशन ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री बिकॉज लाइक आई सेड के वल्चर्स के नंबर बहुत ज़्यादा थे, उनको कंजर्वेशन की ज़रूरत नहीं थी. फिर 2004 में इट वॉज अपग्रेडेड टू फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर. अभी हमारे पास 9 है जिसमें से 3 डायरेक्टली एडमिनिस्टर करता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, ठीक है. एंड इट इज़ द वन जहाँ पे वल्चर्स को ब्रीड किया जाता है कैप्टिविटी में, एंड वंस दे आर मेच्योर इनफ, दे आर अडल्ट इनफ, दे आर रिलीज्ड इन टू द वाइल्ड, ठीक है. सो दैट इज़ हाउ दे आर मल्टीप्लाइंग देयर नंबर्स, ठीक है. उसके अलावा बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जैसे इंडिया बेस्ड है, वैसे ही RSPB इज़ UK बेस्ड. दे आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सेव इनिशिएटिव, दैट इज सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ठीक है. सो इसमें लाइक माइंडेड पीपल आर कमिंग टुगेदर टू सेव द वल्चर्स, ठीक है. एंड एवरी 4 years दे आर ऑल्सो कैरिंग आउट अ सर्वे अक्रॉस 13 states इन इंडिया काउंटिंग इंडिविजुअल वल्चर्स ऑफ ईच ऑफ द 3 species, ठीक है. सो दिस वॉज रिगार्डिंग दी वल्चर्स. थैंक यू.